दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद असलम, कार ट्रेनिंग स्कूल मास्टर और कार ट्रेनर। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में ड्राइव पीजी के अंदर। आज मेरे साथ में जो नए स्टूडेंट है, उनका नाम रोजान है। तो आज उनका जो कल पहला दिन हो चुका है, उनको मैं थ्योरी दे चुका हूँ। तो आज उनका सेकेंड डे है गाड़ी चलाने को लेकर। तो फर्स्ट डे में जो इनको मैं थ्योरी दिया हूँ, और इनका भी 3 सेशन होगा स्टेयरिंग का, क्लच ब्रेक का और रिवर्स पार्किंग का। तो आज इनका जो कल जो हमने थ्योरी देने के बाद जो इनका गाड़ी चलाया मैंने, तो स्टेयरिंग को बैलेंसिंग का जो है सिखाने के लिए कल का दिन इनका पूरा चला गया। तो आज भी वापस देखते हुए कितना कवर कर चुके हैं स्टेयरिंग को लेके। और दूसरी चीज़ है कि दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो। और दूसरी बात यह है कि कोई भी अगर आपको सवाल है मेरे गाड़ी सिखाने को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स पर लेके बताइए, ठीक है। और दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। पूछते हैं उनका पूरा नाम, कि आपका नाम क्या पूरा भाई? जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम रोजान अली। रोजान अली, तो आपने कल जो आपको मैं थ्योरी बताया, तो आपको थ्योरी में कुछ समझ, जो थ्योरी में कल बताया था, आज हम उसको अप्लाई करेंगे, तो आपको याद है क्या क्या मैं बताया था आपको? जी जी, क्या बताया था? गाड़ी में बैठते क्या करना है? पहला सीट मेंटेनेंस करना है। हाँ। फिर उसके बाद मिरर सेट करने का है। हाँ। फिर उसके बाद सीट बेल्ट लगाने का है। तो आपने मिरर पर सेट कर दिया? जी। और सीट बेल्ट लगा दिया? जी। सीट भी एडजस्ट कर लिया? जी। ठीक है, तो अभी आपको जो है ये हैंड ब्रेक नीचे करो, ये हैंड ब्रेक है ना, उठाइए, हाँ नीचे करो अभी। ओके, तो चलिए गाड़ी स्टार्ट कीजिए अभी। एक्सेलर दबा के चाबी पकड़ लो, बस बस। अब देखिए, सामने एक मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है, तो आप मुझे बताइए कि गाड़ी हम फर्स्ट गियर में डालेंगे तो गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी? जी नहीं। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिवर्स लेना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए हमको रिवर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअली अभी क्या है, गाड़ी आ गई है कचरे की, तो थोड़ा हमको वेट करना पड़ेगा, या तो रिवर्स लेके फुल रिवर्स लेना पड़ेगा। चलो रिवर्स क्लच फुल दबाओ, रिवर्स के डालिए, फुल लेफ्ट मारिए, स्टेयरिंग पर लेफ्ट में घुमाइए, फुल लेफ्ट में घुमाइए, एंड तक, दोनों हाथ से पूरा एंड तक घुमाइए। चलिए क्लच छोड़िए धीरे धीरे, गाड़ी पीछे आने दो, और पीछे आने दो, और आने दो पीछे, वेरी गुड, आने दो और आने दीजिए, आने दीजिए, पीछे आने दीजिए। चलिए फर्स्ट गियर डालिए, थोड़ा आगे ले लो, ठीक, थोड़ा राइट में लो, फुल राइट लो, फुल राइट मारिए, फुल राइट, राइट राइट, चलिए राइट में लीजिए, फुल राइट में लीजिए, अभी फुल लेफ्ट मारिए, फुल लेफ्ट मारिए फटाफट, आने दो, आने दीजिए। ओके, चलिए फुल राइट मारिए, आराम से फुल राइट मारिए, वेरी गुड, चलिए चलते हैं, सीधे जाना आप लोगों का, लेफ्ट मिलो सीधी फटाफट, आराम से आने दीजिए, वहाँ जाना आप लोग उधर, लेफ्ट का इंडिकेटर, तो लेफ्ट का इंडिकेटर ऊपर ऊपर मैं बताया था ना। हाँ, चलिए हल्का सा एक्सेलरेटर दबाओ, फुल राइट में लीजिए, स्टीयरिंग घुमा राइट में, हाँ घुमा के रखो, और रेस दबाओ, बस रेस दो, रेस दबा के रखो, वेरी गुड, चलिए रेस दबा के रखो, आप फटाफट लेफ्ट में लो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो देख सकते हैं रोजान का जो स्टेयरिंग का जो है, इन्होंने पहले भी जो है गांव में ट्रैक्टर चला चुके हैं, तो उनको ट्रैक्टर चलाने का स्टेयरिंग को लेकर थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, जो गाड़ी राइट में जा रही है आपकी। अभी एक्सेलरेटर मत देना, बिल्कुल रेस मत देना, ठीक है। अभी आपको जो रास्ते को समझना है और टायर की ग्रिप को समझना है, ठीक है। एक्सेलरेटर से पैर निकाल दो, हाँ गाड़ी को एकदम स्लो चलने दीजिए फर्स्ट गियर में, कि गाड़ी जो है बिना रेस के भी फर्स्ट गियर में चलती है, ठीक है। तो आपको स्टेयरिंग को कहाँ कहाँ मोड़ना है, कैसा मोड़ना है, इसका अंदाज़ा आपको लेना है। अभी देखो सामने रिक्शा खड़ी है, तो उसको आपको ओवरटेक करना है, ब्रेक छोड़ दीजिए, ब्रेक छोड़ दो, आराम से हॉर्न बजाइए, राइट बोलो, राइट बोलो भाई, हॉर्न बजा के,
अभी हमको यहाँ से राइट जाना है, ठीक है। चलिए राइट में बराबर राइट का मिनट दीजिए आपने। जब भी आपको राइट लेने का तो राइट का हल्का सा भी आपको राइट लेने का तो राइट का मिरर देखना पड़ेगा। अगर आपको हल्का सा भी लेफ्ट लेना तो लेफ्ट का मिरर देखना ही देखना है आपको। चलिए हाँ चलो ब्रेक छोड़ दो। चलिए धीरे धीरे समझ गए रुझान। ये जो राइट मिरर, बैक मिरर और लेफ्ट मिरर, ये तीनों आप जो मिरर है ना, देखो गाड़ी बहुत बिल्कुल रॉन्ग जाएगी आपकी। लेफ्ट में दबाओ क्योंकि वन सिंगल रोड है ना, एक आने का रास्ता एक जाने का रास्ता। हम बीच वाले रास्ते में जाएंगे तो जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, आप समझ रहे हो जी। जो रास्ते पे हम अपना रास्ता छोड़ के सामने बाजू वाले रास्ते में चले जाएंगे तो लड़ने का चांस है ना गाड़ी का जी। इंडिकेटर सही कर दो सिग्नल बस। तो ये जो राइट का जो मिरर है, ये जो मिरर राइट का है ना, और ये जो बैक मिरर है ये वाला, और एक लेफ्ट मिरर ये वाला, ये जो मिरर है ना आपकी तीसरी आँख है। ये मिरर को आपको फॉलो करते चलना है, हर 4-5 सेकंड में जो आपको लेफ्ट का मिरर देखना, अगर आप लेफ्ट में जा रहे हो तो। अगर आप राइट लेने वाले हो तो पहले राइट का मिरर देखना, उसके बाद ही राइट में स्टीयरिंग घुमाना है, ठीक है। और स्टीयरिंग को घुमाने को लेके जो है ना, आपका टायर जो है ना, हल्का सा भी आप राइट में स्टीयरिंग घुमाओगे तो आपकी गाड़ी राइट में चली जाएगी, हल्का सा भी आप लेफ्ट में स्टीयरिंग घुमाओगे तो आपकी गाड़ी लेफ्ट में चली जाएगी जी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एकदम बी केयरफुल होकर जो है गाड़ी चलाना है। जब आप गाड़ी चलाते हो ना रुझान, तो आपकी जिम्मेदारी अकेली, आप अकेले नहीं होते हो, आपके साथ बहुत से लोगों की जानें आपके ऊपर जिम्मे हो जाती है। आपको खुद को ही बचाना है और दूसरों को भी बचाना है, ठीक है। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि जो गाड़ी को जब हम चलाते हैं ना, गाड़ी को चलाने को लेकर जो हमारी जो हमारी जो नज़र है, हमारा जो ध्यान है, वो सामने से बिल्कुल नहीं हटना चाहिए जी। जिस तरह हमें सुई में धागा डालते हैं ना जी, तो उस तरह हमारा ध्यान कहीं बढ़ता है क्या? नहीं बैठता बिल्कुल। इसी तरह जो है सामने से नज़र हमारी हटनी नहीं चाहिए, ज़रा भी हटनी नहीं चाहिए। तो हमारे को अंदाजे से गाड़ी चलाना है, और सारा जो खेल है दिमाग का है। एक बार दिमाग में अगर सेटअप हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक चीज़ जो आपका गियर, ऑटोमेटिक आपका हाथ गियर पे जाएगा, क्लच दबेगा, ब्रेक लगेगा, ठीक है, स्टीयरिंग घूमेगी, ऑटोमेटिक आपकी नज़र राइट में जाएगी जब आप राइट लेने वाले हो, खुद ब खुद जो आपकी नज़र लेफ्ट में जाएगी जब लेफ्ट लेने वाले हो, और खुद ब खुद आपकी नज़र ब्रेक पे जाएगी, अपना बैक मिरर पे जाएगी जब आपको ब्रेक लेना हो। समझ रहे हो आप रुझान जी? जी जिस तरह आप बाइक चलाते हो अपना जी, हाँ, बाइक में क्या होता है, आप देखते हो कि मैं कौन सा गियर डाल रहा हूँ जी। ऑटोमेटिक आपका गियर चला जाता है ना, और आपको मालूम होता है मेरा कौन से गियर में गाड़ी चल रही है जी। बिल्कुल इसी तरह जो है, एक बार आपको गाड़ी समझ में आ गई कि अपना जो गाड़ी चलाने का सिस्टम आपके दिमाग में एक बार बैठ गया ना जी, तो गाड़ी चलाना बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी ये देखो आपका राइट वाला जो है ना, अभी पीछे से उसने हॉर्न बजाया, आपने उसको साइड दिया, साइड देने के से पहले आपको देखना है कि मेरे लेफ्ट में क्या है, मेरे लेफ्ट में कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, क्या मेरे लेफ्ट में रास्ता खाली है क्या नहीं खाली है। क्योंकि कोई भी अगर आपको लेफ्ट में गाड़ी घुमाना है, लेफ्ट में गाड़ी आपको अपने जो आप जिस रूट पे चल रहे हो वो रूट छोड़ के आपको लेफ्ट की तरफ आना है, तो पहले लेफ्ट का आपको जो 100 मीटर पहले अंदाज़ा लेना है कि इधर क्या क्या चीज़ है, उसके बाद आपको गाड़ी लेफ्ट में लेना है, ठीक है। राइट में जब गाड़ी आती है सामने से, जो राइट में गाड़ी आती है ना सामने से, तो राइट वाली गाड़ी को बाले में उसके ऊपर अंदाज़ा गाड़ी किसकी निकल जाएगी। लेफ्ट वाली गाड़ी को अंदाज़ा होता है क्या? जी नहीं। आपको राइट का पूरा अंदाज़ा है, लेफ्ट का अंदाज़ा आपको नहीं होता नहीं। है, तो बचाना किसको है? बचाना लेफ्ट को है। हाँ परफेक्ट, बचाना है लेफ्ट वाले को है, क्योंकि लेफ्ट वाला जो आपको जो है सडनली आपके लेफ्ट से ओवरटेक करने जाएगा ना, तो आपको लेफ्ट पर ध्यान रखे उसको बचा के चलना है। राइट वाला जो अपना जजमेंट लेके चलेगा और आप भी अपना राइट पर जजमेंट लेके चलोगे, तो डरना राइट वाले से नहीं है, डरना लेफ्ट वाले से जी। वो अचानक में आके भयानक कर सकता है। ये राइट है तो राइट को घुमा के लेना, आपको राइट घुमा के लेना है। लेफ्ट लेफ्ट टर्न जो होता है ना रोजान, वो शॉर्ट लेना है। और देखो अरे आप ज़्यादा ही घुमा दिए, ये जगवार गाड़ी है भाई, अगर इसको चिम्मा भी ले लेंगे ना तो हमारे को भारी पड़ जाएगा। राइट में घुमाओ और घुमाइए स्टिंग राइट में, ये चीज़ होती है। क्योंकि लेफ्ट का जजमेंट जल्दी मिलता नहीं है रोजान, तो हर 4-5 सेकेंड में अगर आप लेफ्ट का मिरर देखते रहोगे या जो लेफ्ट का जो पिलर इसको देखते रहोगे आप, तो आपको लेफ्ट का अंदाज़ा आते रहेगा जी। समझ रहे आप? तो गाड़ी चलाना दोस्तों बहुत ही आसान है, समझना है कि अपने दिमाग पर इस चीज़ को बिठा लेना है, जो जब मैं बताता हूँ कि किस चीज़ को कहाँ कहाँ ध्यान देना है। अगर इस चीज़ को आप ध्यान देते रहोगे ना, तो आपके लिए गाड़ी चलाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप चाहे अगर आपके पास खुद की गाड़ी है, जो जो मैंने सिस्टम बताया गाड़ी को लेकर, फर्स्ट गियर में कैसा उठाना है, सेकेंड गियर में कैसा उठाना है, तो गाड़ी को कैसा कंट्रोल करना है, अगर इन चीज़ों का ध्यान रखे चले गए, अभी देखो स्लो पर आए तो आपको रेस दबाओ, एक्सीडेंट देना पड़ेगा। दो रेस दबाओ,
दो एक्सेलेटर दो, दबाओ। अरे दबाइए भाई, क्योंकि चढ़ान है ना, फर्स्ट गियर में ये नहीं होएगा, हल्का सा तो रेस देना ही पड़ेगा, अपने को स्पीड देना पड़ेगा, समझ गए जी। तो देखिए रोजान जो है वहाँ से यहाँ तक गाड़ी लेकर आ गए हैं, और जो जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया उन सबको वो जी जी हाँ बोल रहे, देखते कितना उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी आगे से हम रोजान जो यू टर्न मारेंगे, ठीक है। तो हमेशा आपकी नज़र सामने होनी चाहिए, वहाँ से नज़र आपकी हटनी नहीं चाहिए, और एकदम चौकन्ना रहना है, बिल्कुल चौकन्ना। ठीक है, आपने स्टीयरिंग को एकदम टाइट पकड़ा हुआ है ना जी? हाँ, वो टाइट नहीं पकड़ना है, क्योंकि ये टू व्हीलर का हैंडल नहीं है, ये है कार का स्टीयरिंग। इसको जितना आप लूज पकड़ोगे उतना आपका स्टीयरिंग घुमाने में आसानी हो जाएगी, आप समझ रहे हो। हल्का सा लेफ्ट पे लेके यू टर्न मारना है हमारे को, स्टीयरिंग को लेफ्ट में घुमाइए और लेफ्ट में घुमाइए। हाँ, वेरी गुड, आने दीजिए और आने दीजिए। हाँ, आप जो है फुल राइट टर्न मारिए। हाँ, आप फुल राइट टर्न मारिए, एंड तक के पूरा एंड तक घुमाइए, 90 डिग्री में पूरा स्टीयरिंग घुमाने का है। ठीक है, चलिए कोशिश करना कि 110 में पूरा यू टर्न हो जाए, नहीं तो कम से कम बैक लेके जो है यू टर्न करना है, क्योंकि अभी ये बाइक वाला खड़ा हो गया तो हमारे को रिवर्स लेना ही पड़ेगा, वरना हमारी गाड़ी जो है निकल जाती थी, मैंने कहा था ना। तो ये अंदाजा लेके चलना है। चलो अब रिवर्स गियर डालिए, क्लच दबा के चलिए, बस अब रिवर्स गियर डालिए, क्लच को फुल दबाओ, क्लच जब तक क्लच दबेगा नहीं गियर जाएगा नहीं। हाँ डालिए, चलिए क्लच को छोड़िए, धीरे धीरे आने दो, आने दीजिए, चलिए ब्रेक लो क्लच दबा के। हाँ, अब फर्स्ट गियर डालिए, आप क्लच पूरा दबा दे रहे हो, क्लच मुझे ही दबाना पड़ा। हाँ, इन्हें गया फर्स्ट गियर में गया, चलिए धीरे धीरे क्लच छोड़िए, वेरी गुड, और राइट में लीजिए तो वो लग जाएगा बाइक वाले को, आराम करो, सीधा कर दो। तो हमको जो हमारा जो जो रास्ता हमारा जो रास्ता जैसे भी यू टर्न आपने मारे ना, तो आपको अंदाजा लेना चाहिए कि मेरा गाड़ी निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, क्लच को छोड़ दो आप, अभी क्लच का काम नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। तो दोस्तों देखिए, ये जो सिंगल रोड होता है ना, सिंगल रोड में हर जगह गाड़ी पार्किंग होती है, ये मुंबई है, मुंबई में क्या है जगह की कमी है, तो गाड़ी हर कोई पार्क करता है, राइट पे भी पार्क है, लेफ्ट में पार्क है, तो इस मुंबई में गाड़ी चलाना कोई आसान बात तो नहीं है। और मुंबई में क्या हर किसी जगह पे जो, क्योंकि आजकल तो क्राउड हर जगह पे है, पार्किंग हर जगह पे है, कहीं पर भी आप गाड़ी चलाओ तो वहाँ पर जो आपको दिक्कतें आती है पार्किंग को लेकर या चलाने को लेकर रिवर्स को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो जिस तरह आज रोजान ने गाड़ी को जो चलाया, स्टीयरिंग का बैलेंसिंग जो लिया है, तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए। और जो भी मेरे चैनल को नए जो चैनल को देख रहे हैं उसको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के जो नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको जो है तुरंत आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों मैं जो सिखा रहा हूँ और मेरे जो स्टूडेंट सीख रहे हैं, अभी मेरे को स्टूडेंट जो सुबह में जिसको सिखाया था अब्दुल मुनाफ, जो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, उन्होंने ड्राइविंग की आज की इसमें लेफ्ट में लेना, मैंने कहा लेफ्ट में शॉर्ट लेना है, बहुत ही अच्छी उन्होंने ड्राइविंग की थी मुनाफ ने, तो आज उनका पूरा 20 दिन पूरा हो गया। तो आज हमारे साथ में जो है, इससे पहले भी जो सिक्के सलमान इनके ही दोस्त है अपने रुझान के, अरबाज वो भी इनके ही दोस्त है, इनके ग्रुप के हैं, इन्होंने ग्रुप में जो है अपना एक ग्रुप बना के रखा है दोस्तों ने, तो उसी ग्रुप में से रोजान भी आए हैं मेरे पास गाड़ी सीखने के लिए। तो रोजान क्या कहना चाहेंगे आप अपने दर्शकों को, पहले गाड़ी आप लेफ्ट पर रुका दीजिए, आराम से सीधा कर दो स्टीयरिंग, और राइट में लो, और राइट में लो फटाफट, राइट में लेफ्ट हो गया, राइट में लो, हाँ और राइट में लो, चलिए यहाँ स्टॉप कर देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, मेरे ऑडियंस को? आज मुझे गाड़ी चलाकर बहुत अच्छी लगी। अच्छा, सर ने मुझे जैसा बताया, मैं थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है, मैं उसको भी एडजस्ट करूँगा, सर के सामने से फॉलो भी करूँगा उस बात को, कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ है जी, और आगे चलाने की कोशिश करूँगा मैं। बहुत अच्छी बात, देखो रोजाना आप गलती करोगे तो ही आप सीखोगे, आप गलती नहीं करोगे तो आपको सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा। जी जी। तो मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट गाड़ी चलाए, और मैं ज़्यादातर जो है अपने गाड़ी चलाने का जो जो कुछ भी है मैं अपने ऑडियंस की तरफ ही जो है दे देता हूँ, ताकि वो मेरे जो स्टूडेंट है, मेरे स्टूडेंट ही जो है गाड़ी को ज़्यादातर, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट है ना वही गाड़ी को कंट्रोल करे, मेरी सोच वो होती है, ताकि अगर वो कंट्रोल करेगा तो वो गलती करेगा तो उनको सीखने का मौका मिलेगा।
तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू सो मच।